तो गाइस फाइनली हम नैनीताल के बहुत करीब हैं और ये देखो मॉर्निंग व्यू। हे एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हैं। एक्चुअली क्या है, आज हमारी ये रात में राइड दिल्ली टू झांकी भी है, वो आपको मैं बता दूंगा, सरप्राइज है थोड़ा। और एक्चुअली क्या है, जो अपनी राइड है ये है अप एंड डाउन 800-900 किलोमीटर की। तो ये मेरी पहली फर्स्ट राइड है जो कि इतनी लंबी होगी, एंड मैंने 2-3 एक्सेसरीज भी ली हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या लिया है। और सबसे पहले यार, बाइक का मेरे पास नहीं है पॉल्यूशन, क्योंकि BS6 मॉडल है। पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, पेट्रोल पंप वाले मना कर देते हैं कि भाई हमारे पास पॉल्यूशन नहीं हो पाएगा इसका। एक्चुअली क्या, उनके पास मशीन नहीं है, तो जो भी मुझे को बोलता है सारे यही बोलते हैं कि भैया शोरूम से ही होगा। तो मैंने शोरूम वाले को कॉल कर लिया है और उसने मुझे बोला है कि भाई आ जाओ, मैं आपका पॉल्यूशन करवा दूंगा BS6 का, क्योंकि बाहर जा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, कोई पकड़ ले, कोई मैं एक्सक्यूज दूँ, क्योंकि जो सुनने में आई है, एक्चुअली क्या मेरा फ्रेंड है शोरूम में, तो उसने मुझे बताया था कि कोई BS6 की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, BS6 की पॉल्यूशन की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कैसा है, प्रॉपर होगा या नहीं होगा, वो जाके वहीं पता चलेगा। चलते हैं पहले शोरूम में, जाते बनवाते हैं इंश्योरेंस, उसके बाद गाड़ी में थोड़ा बहुत काम है वो भी करवाना है, गाड़ी का चेकअप भी करवाना है, क्योंकि 800-900 किलोमीटर अप डाउन होगा, तो गाड़ी आपकी एकदम फिट होनी चाहिए। और सुबह मॉर्निंग में देखा मैंने बाइक में इतनी लंबी कील घुसी हुई है, शायद इतनी लंबी तो होगी, बट वो मैंने अभी निकाली नहीं है, तो गाड़ी का टायर भी पंचर नहीं हुआ है, तो उसको भी ठीक करवाना है। तो गाइज मेरी गाड़ी का पॉल्यूशन हो चुका है। एक्चुअली क्या था, पॉल्यूशन को लेकर थोड़ा सा मेरी बहस हो गई शोरूम वाले से। एक्चुअली क्या है ना, पॉल्यूशन का जो एक्चुअल प्राइस था वो 50 रुपीज पे लिख रखा था पॉल्यूशन वाले पे स्लिप पे, एंड उन्होंने वो मुझे पॉल्यूशन दिया 250 रुपये में, ठीक है। तो फिर मैंने बात करी, मेरे एक दोस्त है शोरूम में, तो उससे बात की, तो उसने मुझे बताया कि इतना महंगा नहीं होता, 50 से 100 मान सकते हैं कि बंदे करवा रहे हैं, क्योंकि अवेलेबल नहीं है BS6 का अब पॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इसलिए लोग चार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बट 50 का 250 लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर मेरी उनसे बहस हुई, तो मुझे 100 रुपये वापस मिले, 150 रुपये और उन्होंने मेरे से लिया। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, पहले ही कंफर्म कर लेना जब आप पॉल्यूशन लेंगे कि भाई कितना पड़ेगा, कितना मुझको देना पड़ेगा, ये मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट की, फिर भी बहस करके मुझे मेरे 100 रुपये मिल गए, उस चीज़ से मैं सेटिस्फाई। और मैंने आपको बोला था कि मुझे दो चीज़ आपको दिखानी है इस राइड के लिए, मैं क्या क्या लेके आया हूँ, चलो पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइज ये है मेरा SMK का हेलमेट जो कि मैंने परचेज किया था, 3 से 4 दिन हो गए मुझे परचेज किया था करोलबाग से, एंड दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज ये रहा मेरा हेलमेट, इसको मैंने निकाल लिया है बैक बॉक्स से, और बताना मुझको ये हेलमेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। एक्चुअली इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो है 4600 रुपये, तो डिस्काउंट करके मुझे ये 4300 रुपये का पड़ा SMK, एंड मैट ब्लैक लुक है, और ये इसमें नियॉन कलर की फिनिशिंग दे रखी है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छा कंफर्ट है इसका। और अंदर से जो पैडिंग इसमें दे रखी है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये सारी ये जो ओवरऑल पैडिंग है पूरी वॉशेबल पैडिंग है। एंड दूसरी चीज़ इसमें ब्लूटूथ लगा सकते हैं इजीली, क्योंकि अंदर इसमें स्पेस दे रखा है स्पीकर्स का, और साथ में मुझे वारंटी कार्ड्स मिले हैं और SMK स्टिकर्स और की चेन मिली है। और दूसरी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको भी, ये है मेरी MT-15 की यामा की जैकेट जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज की है अमेजोन से, और दिखाता हूँ, मैंने एक बार तो यूज़ कर ली, ये मेरी यामा की जैकेट एंड MT-15 का लोगो लग रहा है, ये मुझे पड़ी है 5500 रुपये की, और जिस प्राइस की है उस प्राइस के लायक नहीं है ये मैं बोलना चाहूँगा। एक्चुअली इसकी जो मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए था वो 3000 से 4000 के बीच में होना चाहिए, पर ठीक है ले ली, अब यामा चला रहे हैं, यामा की MT है मेरे पास, तो MT-15 तो मैंने उसी की जैकेट ले ली है, तो काफ़ी हद तक मुझे ठीक लगी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम किसी लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो एक न्यू सामान लेंगे, एक अच्छी कंपनी का लेंगे, राइनॉक्स का या और भी जो 3-4 ब्रांड हैं जो मैंने देखे थे जाके वहाँ पर वो करोलबाग में, तो जो भी मुझे बेटर लगेगा उनको हम ट्राई करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग है हमारा, तो इतना ठीक है, इतना बजट ठीक है, इतना ज़्यादा बजट था भी नहीं कि हम इससे ज़्यादा महंगी जैकेट ले सकें। तो गाइज बाइक भी रेडी हो चुकी है, और आज बाइक में एक पंचर लगवाने गया था, निकल गए 3-150 रुपये के बाइक में पंचर ही पंचर लग गए। तो गाइज अब देखते हैं कि बाहर का जो मौसम है बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, और हवा चल रही है काफ़ी तेज़, बारिश आने की चांस काफ़ी हैं, लेट्स सी, देखते हैं राइड आज ही होगी या कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगी। मैंने काम कराया कि स्टिकर लगाया मैंने, एंड ये रात में चमकेगा रेडियम है इसके अंदर। दूसरी चीज़, मेरा जो ये स्क्रैच गार्ड है इसका जो ये नट है ये लूज़ हो गया था काफ़ी, और ये मैंने नया लगवाया मार्केट से लेके,
तो अब ये काफ़ी टाइट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड दूसरी तीसरी चीज, 5D में मैंने कार्बन फाइबर का लुक का एक विनाइल लगवाई है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है। और पूरी गाड़ी मैंने क्लीन करवा दी, तो गाड़ी अपनी राइडिंग के लिए रेडी है। लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस फाइनली हम घर से निकल चुके हैं और अभी हो रहे हैं 10:30। एक्चुअली मैं था पेट्रोल पंप पे क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भराना था, टप टंकी करा ली है फुल, मैंने भी, अजय भाई ने भी और साथ में अमित ने भी। तो अभी मीटअप पॉइंट पे चलते हैं, वहाँ पर मिलाता हूँ आपको अपने बाकी राइडरों से। हेलमेट कैसा लग रहा है पहले ये बताओ सारे, अगर हेलमेट अच्छा लग रहा हो तो एक नंबर बोल भाई, कमेंट में जरूर लिखना एक नंबर। फाइनली हम आ चुके हैं अपने मीटअप पॉइंट पे और ये रहे सारे अपने राइडर्स। वेलकम टू वेव सिटी, पीछे लिखा हुआ, लाइटिंग इतनी ज़्यादा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और यहाँ पर भी एक भाई का और वेट कर रहे हैं हम, आकाश भाई का, देन उसके बाद निकलेंगे हम आगे की तरफ। तो ये अपने तरुण भाई भी थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे अपना व्लॉग, ये भी शर्मा रहे हैं अभी। ये रही सारी अपनी बाइक्स लाइन से, हॉर्नेट, जिक्सर, MT, FZ, MT, FZ, लास्ट में आई थिंक एवेंजर भाई साहब की, और अभी एक होंडा CBR आएगी 250। तो ये सारी बाइक्स से अपने सारे राइडर्स रेडी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपना ये राइड होने वाली है क्योंकि एक तो लॉन्ग राइड है, मोस्टली बंदों की जितने यहाँ पर सबकी फर्स्ट लॉन्ग राइड है। और दो तीन बंदे जा चुके हैं, स्पीड जा चुके हैं, प्रियांशु भाई स्पीति घूम चुके हैं, एंड भाई भी गए थे, आनंद किशोर भाई ये नहीं गए, आप अकेले गए थे, आकाश भाई जो भी आ रहे हैं अभी वो भी गए थे वहाँ पर स्पीति। तो ये हमारा फर्स्ट है लॉन्ग राइड है, बट हम इसको एंजॉय करेंगे और इस मेमोरी को याद रखेंगे, पहली मेमोरी हमेशा याद रखनी चाहिए। फिलहाल हम एक ढाबे पे रुके हैं और थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि बहुत थकान सी फील हो रही है 150 किलोमीटर चला के। और फिलहाल अभी बज रहे हैं 3, चाय चू पीते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये था वो ढाबा और चाय हमने सबने पी ली है और काफ़ी बेटर फील हो रहा है, और कम से कम आधा घंटा हमने आप रेस्ट किया एंड अब हो गए रेडी दोबारा से चलने के लिए। ठंडा बहुत लग रहा है तो मैंने तो भाई बैग खोल के इनर डाल लिए, हमें लगा था इतना ठंडा नहीं होगा बट सीरियसली ठंडा बहुत लग रहा है, और पता नहीं आगे जाके और कितना ठंडा लगने वाला है क्योंकि मैं लाया भी कुछ नहीं हूँ, 2 T-shirt हैं, 2 jeans हैं और साथ में इनर हैं। लेट्स सी कितना ठंडा और लगता है, कितना हम झेल पाते हैं कितना नहीं। सतीश भाई ठंडी कैसी लग रही है? बहुत ठंडा भाई, बहुत ठंडा है, ठंडी बहुत गंदी वाली है, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। एक जैकेट पहन ली और लग रहा है खरीदनी पड़ेगी अभी। और ग्लव्स का देखो, ग्लव्स भी हमने मतलब कुछ ज्यादा कॉस्टली लिए थे, बस नाम की है, नॉर्मली ग्लव्स लेते हैं और ठंडे लग रहे हैं हाथ में भी। तो लेट्स सी आगे जाके और क्या देखने को मिलता है हमें, ठंड से बच पाते हैं नहीं। तो मिलते हैं आपसे आगे किसी भी पॉइंट पे जहां भी रुकेंगे। गाइज फाइनली हम नैनीताल के बहुत करीब हैं और ये देखो मॉर्निंग व्यू पहाड़ियों का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर अच्छे के साथ साथ ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, उस हिसाब से कपड़े लेके नहीं आए थे जिस हिसाब से यहाँ ठंड है। तो पहली राइड थी, लॉन्ग राइड थी, तो कुछ सीखने को ही मिलता है, तो हमने सीख लिया फुल प्रिपरेशन के साथ चलना चाहिए, वो याद रहेगा लाइफ टाइम के लिए जब भी अब कोई नेक्स्ट राइड हमारी होगी। तो सारे ग्रुप यहाँ रुक के फ़ोटो शूट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ही फोटो खींच लेते हैं, एंड जो लीन करने मजा है ना बाइक को, सीरियसली एक नंबर मजा आ गया। 2-3 बार पहले भी किए पर इतना नहीं कि जितनी यहाँ पर है, एक नंबर। और व्यू देखो आप बैक साइड का, अब यहाँ सूरज कहाँ किस साइड से उगेगा, किस तरफ दिखेगा, सॉरी, एक नंबर लगने वाला है क्योंकि पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ सूरज एक नंबर लगता है क्योंकि मैंने देखा हुआ है, वो भी तब जब बर्फ पड़ी थी बहुत ही भयानक वाली। चलो चलो आपको एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ।
अभी नैनीताल हम पहुँचे भी नहीं है और बीच बीच में देखो क्या व्यू है। बीच में एक तालाब सा और साइड साइड में मकान जो भी है, क्वार्टर मकान मकुंज जैसे जो भी है, पर एक नंबर लग रहा है, एक नंबर। वो रोड, उस रोड से हम आए थे और अब इतने ऊपर आ गए। अलग ही लेवल लग रहा है, एक नंबर। कहते ना कोई वर्ड नहीं होता नेचर को एक्सप्लोर करने का, तो वही सीन है। कोई वर्ड नहीं है कहने के लिए, बट जो लग रहा है एक नंबर लग रहा है। आ चुके हैं अल्मोड़ा में और अभी बज रहे हैं 11 और रात के 10 बजे हम चले थे घर से और बीच में एक स्टॉप लिया था 1 घंटे का। देन उसके बाद कंटिन्यूसली हम चल रहे हैं। थोड़े बहुत बीच में फ़ोटोशूट किए थे क्योंकि सीन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे बीच बीच में। और अभी हम रेस्टोरेंट में हैं तो अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट के बाद देखते हैं आएगा प्लान क्या है। अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि सब थके हुए हैं, बहुत टायर्ड है। थोड़ा हम ना बाहर साइड बैठे हैं जहाँ पर धूप लग रही है हमें और ये काफ़ी ऊंचाई पे आपको दिख भी रहा होगा, देखो जो नीचे बिल्डिंग दिख रही होगी आपको और ये हम कितने ऊंचाई पे हम बैठे हुए हैं। तो गाइस हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये लो जी अपना ब्रेकफास्ट भी आ गया। ये अपने आलू के परांठे, प्याज के परांठे और पनीर परांठे विद दही और अचार। खा के बताते हैं कैसा है, क्या टेस्ट है इसका, टेस्ट अच्छा है या नहीं है। बाकी हमारा बंदा अपने घर से भी लेके आया था जबकि रात का ये बना हुआ है, देखते हैं खागे सही है या नहीं। ब्रेकफास्ट हो चुका है कम्प्लीट और हम चल रहे हैं आय की ओर। और ओवरऑल अगर खाने की बात करें थोड़ा कॉस्टली है, ठीक ठाक है, खाने में ज़्यादा कोई खास लगा नहीं है मुझे। बट अगर रेस्टोरेंट की लुक की बात की जाए, रेस्टोरेंट का लुक बहुत अच्छा है, तो शायद उसके हिसाब से ये पैसा काट रहे हैं। तो हमारा 8 बंदों का 1350 रुपये का बिल आया है ब्रेकफास्ट का, इसमें कि चाइनीज इंक्लूड थी, पराठे थे एंड नूडल्स थे और एक कोल्ड ड्रिंक आई थिंक। ये सब कुछ मिला के 1330 रुपये का बिल हमारा जो हुआ है, जनरेट हुआ है टोटल ओवरऑल। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप आके यहाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं क्योंकि देखना तो बनता है एक बार आके यहाँ पर। ये थोड़ा इंटीरियर है रेस्टोरेंट का, बहुत साफ सुथरा है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। एंड अगर आप बात करें ओवरऑल सिटी की भी, अल्मोड़ा की, तो ये भी बहुत साफ सुथरी है। मेरा रेस्टोरेंट एमिगो रेस्टोरेंट जो कि मैंने आपको भी अंदर से भी दिखा दिया है, ओवरऑल देखने में अच्छा है बट अगर खाने की बात करें तो खाने में वो टेस्ट नहीं है जिस हिसाब से ये पैसा काट रहे हैं।